ईशा और शिवा की माइथोलॉजी से इंटरलिंक्ड स्टोरी लेकर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट स्टारर ब्रह्मास्त्र ऑडियंस के सामने आ रही है। लेकिन ब्रह्मास्त्र से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है और वो अपडेट है रणबीर आलिया स्टारर फिल्म में दीपिका पादुकोण की एंट्री का। वेल यस, ब्रह्मास्त्र 2 में पार्वती का रोल प्ले करेंगी दीपिका पादुकोण। तो क्या ईशा के रोल में नजर आ रही आलिया भट्ट को छोड़कर फिल्म के सीक्वल में रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की जोड़ी सिल्वर स्क्रीन पर नजर आएगी? ब्रह्मास्त्र 2 में होने जा रही है दीपिका पादुकोण की एंट्री कंफर्म। कहा तो ये भी जा रहा है कि दीपिका पादुकोण रणबीर आलिया स्टारर ब्रह्मास्त्र के एंड में एक कैमियो भी करने जा रही है। लेकिन जिन्हें लग रहा है कि दीपिका आलिया रणबीर के बीच क्या बन सकती है द थर्ड व्हील, तो बता दे कि जैसे पार्ट 1 में शिवा और ईशा की कहानी है, ठीक वैसे ही ब्रह्मास्त्र 2 की कहानी महादेव और पार्वती पर फोकस करेगी। देव कौन प्ले करने जा रहा है ये तो फिलहाल रिवील नहीं हुआ है, लेकिन दीपिका का फिल्म में होना कंफर्म बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, दीपिका पार्ट 1 के लिए अपना कैमियो शूट भी कर चुकी है। दीपिका का कैमियो कंफर्म करते हुए सोर्सेस ने इसके सभी इनसाइड डिटेल्स भी शेयर कर दिए हैं। सोर्स ने कहा, द मेकर्स हैव लॉक्ड दीपिका पादुकोण टू प्ले द कैरेक्टर ऑफ पार्वती। इन फैक्ट Deepika will also make a cameo towards the end of Brahmastra, which will eventually take the film into the second part. Reportedly, Ayan Mukherjee ke paas Brahmastra ke upcoming second or third part ka complete blueprint maujood hai. Unke is universe mein Shiva aur Isha aage ke parts mein apni journey continue rakhenge. Lekin part 2 mein jahan Parvati ke role mein Deepika ki entry hone ja rahi hai, theek waise hi Dev ko laane ki taiyari bhi jald sunne mein aayegi. Aaram se hero gaya. Aaram se hero gaya.